हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पा की कलाकारी। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपकी दिवाली कैसी रही जरा कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हमारी दिवाली बहुत अच्छी रही। तो आज मैं आई हूँ एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, वो है इयररिंग्स। और ये इयररिंग्स इतने प्रिटी हैं, जो बनाने में भी बहुत सिंपल है। तो आओ देखते हैं, पहले देखते हैं कैसे बने हैं और कैसे बनाने हैं, फिर मैं इनको पहन के दिखाऊंगी। चलो तो बनाते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक लेंगे और मैंने नेट फैब्रिक लिया है। और फैब्रिक के बाद हमें अच्छी सी स्ट्रिप कट करनी है, जो 2 इंचेस की है। उसके बाद कट करने के बाद हम इसे एक फोल्ड और देंगे और हाफ में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 पोर्शन चाहिए दोनों इयररिंग्स के लिए। और उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे और टर्न बाय टर्न फोल्ड करते जाएंगे, और फिर एक लास्ट में हम फोल्ड ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमें इसे सर्कुलर शेप में कट करना है। और एक साथ एक ही शेप में एक ही साइज़ के सर्कुलर शेप कट करने के लिए यह बहुत अच्छी ट्रिक है। और इसी ट्रिक को हम पेपर पे भी अपनाते हैं, और इवन हम फैब्रिक में भी यही काम करते हैं। और जो भी स्टिक है उनको दोबारा कट कर लेंगे। और एज अ पेटल हम यूज़ कर रहे हैं अब, तो एक को एक एंड से दूसरे एंड पे, जैसे पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के अब वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे हमें स्टिक करने हैं। और स्टिक हम किससे करेंगे, यहाँ पे ग्लू नहीं यूज़ करेंगे, ना कोई है ना पिंस यूज़ करेंगे, हम इसे टक करेंगे। टक हमें सुई धागे से करना है, क्योंकि हमें लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चाहिए, तो हम हर चीज़ सुई धागे से करेंगे। जैसे देखिए, ये हमने एक टक कर दिया, तो ये सारे पेटल्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, ना इवन आपको बाद में भी परेशानी भी नहीं होगी। और टक करने के बाद हम इसे सिक्योर कर देंगे। फिर हम लेंगे इयररिंग स्टड, और इयररिंग स्टड अभी इसमें इंसर्ट कर देंगे, जिससे हम इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेशन का सामान लगा सकें। अब हम लेंगे ग्लू, और ग्लू को अच्छे से, मतलब ये नहीं है कि थोड़ा ग्लू लगाना है, जिससे हमारा लॉन्ग लास्टिंग कुछ भी चिपका रहे। और हमने यहाँ पे पर्ल यूज़ किया है। पर्ल के बाद हम राइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं, और राइमस्टोन आप देख रहे होंगे, हम यहाँ पे भी पर्ल वाली राइमस्टोन यूज़ कर रहे हैं। और इसका हम मेज़रमेंट ले लेंगे, और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। मेज़रमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि हमें दो चीज़ें बनानी है। और हम अब ले रहे हैं मोती, ये पहले हमने हाफ पर्ल लिया था, अब ये हम ले रहे हैं फुल पर्ल। और हम राइमस्टोन के दोनों एंड्स पे इसे स्टिक कर देंगे। और यहाँ पे ग्लू बहुत ज़्यादा हमें चाहिए, और पेशेंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद ही, देखिए सूखने के बाद रिज़ल्ट अच्छा आया है। और अब हम इस पे जो हाफ पल था उस पे हम स्टिक करेंगे, और ग्लू की हेल्प से अच्छे से स्टिक करना है। और याद रखें कि हमें दोनों है ना राइमस्टोन एंड्स बराबर नहीं लेना है, एक ऊपर लेनी है एक थोड़ी नीचे लेनी है, जिससे अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होगा हमारा। उसके बाद देखो ये राइमस्टोन चिपक गई है, और हमारा इयररिंग्स रेडी है। प्रिटी प्रिटी इयररिंग्स। और आपको पता ही चल गया होगा, इतने दिनों से देख रहे हो तो मेरे को इयररिंग्स का बहुत शौक है। और इयररिंग्स सच में लुक बहुत अच्छे देते हैं, लुक है ना सुंदर। आप कहीं भी पार्टी वेयर में भी पहन सकते हैं, इवन आप कहीं आउटडोर पे भी जा रहे हैं तो भी इन्हें हैंग कर सकते हैं। बट ये आपको मार्केट में मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिफरेंट है, हैंडमेड। जो मार्केट में नहीं अवेलेबल है वो हम बनाते हैं, तो आप भी बनाओ। और कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके पास फैब्रिक होगा, मोती होंगे, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, चीज़ें बाज़ार से मंगानी पड़ेंगी, बट हो जाएगा। बट जो रिज़ल्ट आता है, देखिए है ना रिजल्ट सुंदर। तो इस वीडियो को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सच में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आई नो कुछ लोग बोलते होंगे ये फालतू में वीडियो बनाती है, बट मुझे अच्छा लगता है, आप लाइक करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।
बाय बाय टेक